सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के तमाम बड़े खबरों पर नजर डालते हैं। वाराणसी के जगतगंज और चेतगंज इलाके में सोमवार को होटल के कमरे में महिला की लाश मिलने से भूत जात उनको समझे ना ना भाई। हेलो, अरे वो पीछे इसमें हम कर दिया है। हां ठीक है। अरे उसमें नहीं आता, उसका सामने सामने इधर लो मेरे पति मेरे पास नहीं कर पाए होता अतुल भैया अजी अंदर में फूड के हाथ बिजी हो गए ना चलो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ले आओ अपने मोबाइल पीछे करो मेरे भाई। आप हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। दीदी भैया हां हम आ गए। ऑटो मालिक छिपा रहा है। ऑटो मालिक थोड़े ना। अरे मालिक ये हूं ना, मालिक नहीं सर। करो करो हो गया। एक ए तारी की वगैरह तारी की वगैरह तारी रवि नहीं प्लीज। हो गया बस इतना। एक सेकंड, एक सेकंड आ जाओ। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ मंच पर बैठे, मंच के नीचे बैठे सभी खत्री समाज के महानुभाव, जैसा भाई राकेश जी ने कहा, खत्री बंधु और खत्रानी बहने सभी को मैं नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। में राकेश जी ने सही कहा कि मुझे कल आना था,
लेकिन पंजाब में भी चुनाव 19 तारीख को होने जा रहा है और पंजाब की मांग थी कि मैं 12 तारीख को पंजाब के अन्य अन्य क्षेत्र में जाऊं और उसके बाद मुझे लगातार 3-4 दिन यहाँ रहने का अवसर मिलने वाला था, तो मेरे ही अनुरोध पे कार्यक्रम को शिफ्ट करना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूँ राकेश जी आपसे भी और सभी खत्री समाज के मेरे भाई बहनों से कि कल रविवार जरूर स्वाभाविक रूप से और सरल होता। जी का ट्वीट मैंने देखा, उनका कहना है कि वो हादसे के अगले दिन गए थे, मैं स्वीकार करता हूँ उसके अगले दिन गए थे, लेकिन घिनौना उतना ही था कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ, क्योंकि उनके पिताजी एक चीफ मिनिस्टर हैं, एक जहाँ पे हाई सिक्योरिटी एरिया जो और किसको भी जाने को अलाउड नहीं था, हमारे भी मित्र थे वहाँ पे, हमें भी किसी को अलाउड नहीं था, लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर को लेके जाना वहाँ पे, उसके पीछे क्या मंशा थी वो तो 2013 में फिल्म बना के हमने देखी ली। क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये काम किया तो इसीलिए उनको रिज़ाइन करना पड़ा था, तो इसमें तो उन्होंने ट्वीट किया और क्या साबित किया, यही साबित किया कि उन्होंने ये काम किया था और उसके लिए उनको रिज़ाइन करना पड़ा और देश की जनता ने माफ नहीं किया उसको। कह रहे हैं कि हम गए जरूर थे लेकिन वहाँ फिल्म कोई बात नहीं हुई। अरे भाई 2013 में वो फिल्म बनी है, उसी प्रोड्यूसर ने बनाई है, डर के मारे शायद इनको लड़के को रोल नहीं मिला होगा, लेकिन फिल्म बनी कि नहीं बनी, 2013 में बनी फिल्म, तो फिर जाने का और फिल्म प्रोड्यूसर को कौन लेके जाता है ऐसे में। हम राजनीतिक विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने को था और सही बात थी, ऐसे में कोई राजनीतिकरण नहीं होता है, ऐसे में तो सिर्फ सरकार की सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिटाइज करती है क्योंकि वाइटल क्लूज होते हैं ऐसे स्थान पे जहाँ टेररिस्ट ने अटैक किया है, फुटप्रिंट्स होते हैं, हैंडप्रिंट्स होते हैं, वो सब वाइटल क्लूज के ऊपर आगे कार्रवाई होती है, लेकिन अगर फिल्म प्रोड्यूसर घूमने लग जाए तो ये क्लूज सब खराब हो सकते हैं, हैंडप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, जो सुराख जिसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी थी वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भाषा सिर्फ अच्छी इस्तेमाल करके लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन दिखा के कोई असलियत नहीं छुप जाती है। रोल मिला था उसमें फिल्म में, वो तो क्यों पब्लिक के दबाव में उन्होंने रोल नहीं किया, लेकिन आखिर वहाँ जाने का हेतु क्या था, चीफ मिनिस्टर आखिर क्यों लेके गया उस प्रोड्यूसर को, ऐसे में तो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जाते हैं और मैं समझता हूँ ये पत्रकार बंधु सब समझते हैं और देश की जनता तो भली बात ही समझती है कि ऐसे वक्त पे शोक का वक्त होता है फिल्म प्रोड्यूसर को लेके जाके और जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम खराब करने का समय नहीं होता। बहुत बहुत यहाँ पर कई लोग से ऐसे मुलाकात हुआ जो कि जीवित हैं लेकिन उनको मृत घोषित करके वोट देने नहीं दिया गया, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ, इस तरफ मुझे भी ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। काफ़ी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है, इस वजह से परसेंटेज कम हो जाता है मतदान का, तो मुझे लगता है कि इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए या जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मतदाता की मतदान करने की कोई एज होती है क्या? 18 साल के बाद ही मतदान कर सकते हैं। नहीं, 18 साल से लेकर नहीं, आप जब तक जीवित हैं तब तक अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए।
यहाँ पर ये भी एक केस देखने को मिला है कि मतदान करने आए बुजुर्ग व्यक्ति को उनको मतदान बहिष्कार कर दिया गया कि आपकी एज नहीं है अब, इसलिए आपका नाम हटा दिया गया है। ऐसा सरासर गलत है। ऐसे भारत सरकार का कोई संविधान नहीं है। संविधान में केवल आपका मूल मतलब जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल है और अधिकतम जब तक आप जीवित हैं तब तक आप भारतीय प्राणी हैं, भारत के नागरिक हैं, आपको अधिकार से मताधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। आपका नाम? पवन कुमार गुप्ता सिंह। पद क्या है? सचिव प्रशस्ति वेलफेयर सोसाइटी प्रयागराज। आपका नाम मैम? पद? आप लोग प्रयागराज से? बाहर से? थैंक यू। भारत सरकार आयकर में संस्था प्रशस्ति वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ पवन कुमार गुप्ता समीर। मेरे साथ खड़ी हैं उसकी टेजरार प्रशस्ति वेलफेयर सोसाइटी की कोषाध्यक्ष श्रीमती निधि गुप्ता, और हम लोग भारत सरकार की तरफ से लोगों को जन जागृत करते हैं कि अपना मत का प्रयोग करिए। मत आपका वो अधिकार है जो वर्षों के संघर्ष और कुर्बानी से हासिल हुआ है, उस अधिकार का उपयोग करिए, मतदान करिए, मतदान अवश्य करिए, सही व्यक्ति का चुनाव करिए। इस दिशा में लोगों को प्रेरित करता हूँ। आप क्या कह रहे हैं आज के लिए मैम? मेरा कहना ये है कि आप सभी अपने मताधिकार का, मैं जनता से अपील करती हूँ कि अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बड़ी मुश्किल से आपको ये अधिकार मिला, उस अधिकार का प्रयोग कीजिए और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहयोगिता प्रदान कीजिए। आज यहाँ पर देखा गया कि कई लोग